वंदे मारो मधियारे काका युगंतो आदे तिर्यावरारे तेरांतारे क्षमादे तेर्मारा सबेदा सबुतरा विश्वे देवा आदे देहे पंचा जाना आदे तिर्जाता मादे तिर्जानितवाम्मा दीर्घायुत्वाया बालाया वर्चासे सप्रजास्त्वाया सहसा अतो जीवासा राधाशा दाम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदायः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति जतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः। श्लोकों के उच्चारण के साथ सोमनाथ मंदिर को जो आज सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, अलग अलग विशेषताएं इस मंदिर की और खास तौर पर नजर पूरे परिसर की जो कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस पूरे परिसर को बनाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम आता है सोमनाथ मंदिर और अब इसको प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं। कई बार ये मंदिर तोड़ा गया, कई बार फिर से बनाया गया, ये सिलसिला चलता रहा और आज का दिन चुना गया है कि सोमनाथ मंदिर को पूरे एक नए स्वरूप में एक बार फिर से दुनिया देख सके। समुद्र दर्शन की भी व्यवस्था है, मंदिर परिसर के इर्द गिर्द एक समुद्र के लिए अलग से पथ बनाया गया है और पूरा का पूरा मंदिर परिसर अब एक भव्य रूप में दिखाई देगा जिसमें शिखर कलश प्रमुख तौर पर गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, आपने तो स्वयं ये मंदिर कई बार देखा होगा, बना है दोबारा और अब इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो पहले नहीं थी और अब जोड़ी गई हैं? बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे कई सालों से आती जाती रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हाल ही में केशुभाई पटेल की मौत के बाद वो बने हैं, लेकिन वो सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी हुआ करते थे और जब गुजरात के मुख्यमंत्री वो थे और इस पूरे इलाकों को किस तरीके से डेवलप करना उसको लेकर उन्होंने खास एक व्यू रचना बनाई थी और यही वजह है कि आज ये सारी जो योजनाएं हैं वो बनकर तैयार है। इस वक्त हम मौजूद है सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने बने इस वॉकवे पे, आप देख सकते हैं ये पूरा जो वॉकवे है ये 1.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा वॉकवे बनाया गया है जो कि समुद्र दर्शन के साथ साथ सोमनाथ मंदिर के भी दर्शन करवाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर को उसका जो सुवर्ण काल है वो अब वापस दिया जा रहा है, उसका उसमें पूरा जो गर्भगृह है उसे सोने से सजा दिया गया है। साथ ही जो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर बने हुए करीब 1470 जितने जो कलश है उसे भी अब सोने से सजाया जा रहा है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार जो विदेशी ताकतें हैं उनके जरिए इसे लूटा गया, लेकिन अब एक बार फिर सोमनाथ मंदिर की जो भव्यता है वो उसे वापस दी जा रही है। तो साथ ही यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जब जहाँ पे शिव का मंदिर होता है वहाँ पे देवी पार्वती का मंदिर जरूर होता है। लेकिन ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पर्यटन मंत्री और राज्य मंत्री श्री और मंत्रालय के सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। गुजरात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने जो उच्च लक्ष्य रखे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। हमारा सौभाग्य है कि सोमनाथ ट्रस्ट में आदरणीय